करते हैं। जब भी आपका चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का या हेल्थी सा खाने को मन करे तो बनाइए ये कच्चे केले के चिप्स। घर में ही बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। कोई नहीं कहेगा कि आपने ये घर में बनाया है, जो भी खाएगा ये चिप्स आपकी तारीफ ही करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल लक्ष्मी किचन इज योर्स में। फ्रेंड्स, कच्चे केले के चिप्स बनाने के लिए मैंने मीडियम साइज के ये चार केले लिए हैं। सबसे पहले मैंने गैस पे कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है और इस तेल में मैंने आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच नमक डाल दिया है। हल्दी नमक डालने से चिप्स में अच्छा सा एक नमकीन सा टेस्ट आएगा और हल्दी डालने से आपका मार्केट जैसा एकदम चिप्स का रंग लगेगा। ये इस तरह का जो ग्रेटर आता है इसका इस्तेमाल करेंगे और इसमें सारे केले एक साथ छील के नहीं रखेंगे। पहला मैंने केला छीला है और उसमें एक चिप्स डाल के देखा कि हमारा तेल अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। तो अभी थोड़ा सा इसमें समय है, ये चिप्स भी ऊपर आ गया है, तेल गर्म है और आपको लंबे चिप्स उतारने हैं या फिर गोल, आपकी जैसी मर्जी है आप उसी हिसाब से उतार लीजिए। मैं लंबे में उतार रही हूँ, तो लंबे में उतारने के लिए आपको केला को थोड़ा सा लिटा करके ही चिप्स को निकालना पड़ेगा। ये पहले केले से ये देखिए पूरी कढ़ाई अच्छे से भर गई है और एक बार इसे हम चला करके अलट पलट देंगे और ये देखिए पूरे अलग अलग हैं। जब तक वो अच्छे से हो रहा है तब तक हम अपना दूसरा केला छील लेंगे। याद रखिए, एक साथ अगर आप केले छील के रखते हैं तो आपके केले का चिप्स का टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा और आपके उसका रंग भी नहीं अच्छा आएगा और केले काले पड़ जाएंगे सारे। तो जब तक हमने दूसरा केला छीला है तब तक ये देखिए हमारे पहले केले के चिप्स बन के तैयार भी हो गए हैं। ये देखिए अच्छे से इसमें प्रॉपर तरह से हिल रहे हैं, सारे चिप्स अलग अलग हैं। इसी तरह से हम अपना दूसरा तीसरा भी केला छील करके रख लेंगे और एक एक को छीलेंगे और एक एक केले के चिप्स को उतारेंगे। बहुत ही जल्दी बन के तैयार होता है। अगर आपके शाम की चाय के साथ आपके पास कुछ भी स्नैक्स नहीं है तो इसे झटपट बनाइए और एंजॉय करिए। और कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है इसमें। ये मेरा तीसरे केले का चिप्स उतर के तैयार है और चार केले में बहुत अच्छे सी क्वांटिटी में बन के भी तैयार हो जाता है। ये देखिए कैसे अलग अलग एकदम चिप्स उतरे हैं। नमक डालने से एक और फायदा है कि आपका ये चिपकता नहीं है और अब हम अपने बाकी के भी चिप्स को उतार लेंगे। ये देखिए चारों ओर से एकदम कैसे एकदम गुलाबी से हो गए हैं। और अगर आपको लगे कि कहीं इसमें सीलापन है तो एक बार इसको चेक भी कर लीजिए आप। झटपट बनाना हो या कुछ हेल्थी बनाना हो तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। एक बार इसे बनाइए जरूर और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा और आपसे कितनी जल्दी बन के तैयार हुआ। अब इसी तरह से हम अपना चौथा केला भी उतार लेंगे चिप्स। और आप जो आप जिससे कद्दूकस कर रहे हो तो उसे बहुत आराम से सेट करिएगा, आपकी कढ़ाई बिल्कुल डिसबैलेंस ना हो। इसी तरह से हम अपने एक एक करके केले को छीलते हुए चिप्स को उतार लेंगे। इसका छिलका जब उतार रहे हैं ना तो केले में बिल्कुल ग्रीन सा पार्ट ना रहे, सारे ग्रीन पार्ट को हटा दें। और ये देखिए फाइनली मेरे चौथे केले के भी चिप्स उतार के तैयार हैं। आप इसे बनाएंगे तो बच्चे बहुत पसंद करेंगे और एंजॉय करके खाएंगे। घर का बना है, शुद्ध है, साफ है, तो इंसान जितना मन हो उतना खा सकता है।
और ये देखिए दिखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा कढ़ाई से ऊपर करके पकड़ सके, हैंडल कर सके अपने झरिया को, तो आप ऊपर भी कर दीजिए, वरना आप कढ़ाई पे सेट करके भी उतार सकते हैं इसे। मेरे बच्चों को इतना पसंद है तो मैंने एक केले का चिप्स और बढ़ा लिया। आधा आधा किलो के केले में तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में चिप्स उतर के तैयार हो जाते हैं। ये और अब ऊपर से इस चिप्स में हम नमक और काली मिर्च ऐड कर देंगे। अगर आप तीखा नहीं खाते तो आप स्किप कर दीजिए काली मिर्च, सिर्फ नमक को ही ऐड कर दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए कितने अलग अलग है और दिखने में कितने क्रिस्पी करारे लग रहे हैं। तो आप बाजार से क्यों लाना जब घर में ही आसान तरीके से हम बना ले। तो चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। एक कांच की प्लेट में इसे सर्व करने के लिए निकाल देंगे और ये देखिए कितनी क्वांटिटी में भी बन करके तैयार है। बच्चों को भी दूध के साथ दे सकते हैं, हम भी चाय के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं, और अगर कोई गेस्ट आए तो आप उनके लिए भी झटपट बना सकते हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये कच्चे केले की चिप्स की रेसिपी कैसी